गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं पार्ट टू जो सिमलीपाल का ट्रिप था उसका फिर से पार्ट टू है ये। और ये जो रूम में हम रह रहे हैं उसके सामने का व्यू है अरण्य निवास रिजॉर्ट का। ये सारा जो आप देख रहे हैं अभी, ये सीन सारे रिजॉर्ट के हैं। तो रिजॉर्ट में पूरा ग्रीनरी था, जैसे जस्ट लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था। तो ये मैं वॉक करते हुए कुछ वीडियो क्लिप्स की थी जो मैं ऐड कर रही हूँ। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये पसंद आए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं आशा करती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाऊंगी आपके लिए। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
सारे जो आप क्लिप्स देखे हैं वो सारा अरण्य निवास के अंदर है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक में और होल डे जो भी मैंने क्लिप्स शूट किया था। और ये है उनका स्विमिंग पूल, पूरा जंगल के बीच में है। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल पे के पीछे कितना ग्रीनरी है, सिर्फ पेड़ ही पेड़। और यहाँ पे इतना शांति था कि आप खो जाएंगे, बस आप अपना फ़ोन भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे यहाँ पे। सो जस्ट एक बार यहाँ पे आके आप इस इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पे जैसे नेटवर्क नहीं है तो आप यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, एंड डार्ट नैरो है, एंड साइकिलिंग है, और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे एक छोटा सा लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप जाके बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बुक्स हैं यहाँ पे। सिमलीपाल और अरण्य निवास में ये सब बहुत ही आपको एक्साइट करेगा और आप एक डिफरेंट जोन में चले जाएंगे। सो यहाँ पे आके हमको तो बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह यहाँ पे आप मेडिटेशन और योगा भी कर सकते हैं, जो कि बहुत क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है बहुत पीसफुल है, और नेचर के बीचों बीच आप रहेंगे तो आपको बहुत एक मन की शांति और एक सोलफुल मॉर्निंग का एहसास होगा। I love you.
अभी आपने देखा कि वाटरफॉल्स है और ये सिमलीपाल फॉरेस्ट का ही वाटरफॉल्स हैं। तो हम जिस दिन पहुँचे उसके नेक्स्ट डे हम जंगल सफारी के लिए निकले थे कुछ एनिमल्स देखने के लिए और ये सारा वाटरफॉल्स देखने के लिए। सो पूरा दिन लग गया, सुबह से लेके शाम तक हम सिर्फ जंगल में ऐसे ही घूमते रहे। ये दो वाटरफॉल्स हैं, एक जोरंदा वाटरफॉल और एक बड़े पानी का वाटरफॉल। तो दोनों ही बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही ब्यूटीफुल थे। आप भी जब भी आएंगे तो आप हायर करके गाड़ी आप जा सकते हैं ये सब देखने के लिए। Look like a million touch so tight.
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक रिवर है जो आरण्य निवास के पूरा साइड में बहता है, एंड ये बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा रिवर है, पूरा बिसाइड ये सारे ट्रीज़। तो हम नीचे उतर के उस चीज़ का पूरा लुफ्त उठाए, तो अमिड्स नेचर, तो बहुत ही अच्छा लगा था। आप भी एंजॉय कीजिए। ये नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, इसीलिए हम उतर के पानी के अंदर जा चले गए थे। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं था, बट बहुत स्लीपरी था। जो पत्थर थे नीचे पानी के अंदर, वो बहुत स्लीपरी था। तो इन केस आप कभी आएंगे तो बी केयरफुल।
एक्चुअली हम 3 दिन रहे और तीनों दिन हम नदी के पास गए और इतने सारे वीडियोस हो गए, तो मेरा मन किया मैं सारा वीडियोस डाल दूँ, कोई एक भी वीडियो स्किप ना करूँ, क्योंकि ये तो मेमोरीज़ हैं और ये हमेशा रहेंगे और जब भी याद आएंगे तो यही देख के खुश होने वाली हूँ मैं। तो इसीलिए सारा वीडियोस मैंने डाल दिया है, जो भी 3 दिन में मैंने नदी के पास जो भी वीडियोस लिए हैं सारा डाल दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आए, ना भी पसंद आए तो फिर भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये नेचर है, हम सबको पसंद है।
बुफे था डिनर फर्स्ट डे का जो हमने शूट किया था। यहाँ पे आप बुफे जो रूम का जो रेंट है उसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज़ कम्प्लीमेंट्री एंड डिनर का यही हाल था। तो फूड वाज वेरी होमली, बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे नॉन वेज भी था और वेज भी था और स्वीट डिश तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्वीट डिश था, बहुत अच्छा था खाना। और ये देखिए ठंड भी बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं ऐसे बैठ के ऐसे अपना खाना खा रही थी। और ये नेक्स्ट डे हमको पता भी नहीं था रिजॉर्ट में, उनको पता चल गया कि एनिवर्सरी था तो इसीलिए उन्होंने केक ऑर्डर किया था और जो स्टाफ थे कुछ ऐसे डेकोरेट करके सेलिब्रेट किए थे। बस कोई नहीं, बस स्टाफ और कुछ जो हमारे साथ थे, तो आधे लोग तो नहीं थे, सफारी में चले गए थे, कुछ लोग थे जो ऐसे हम लोग सेलिब्रेट किया। और ये एक उनका ट्राइबल डांस हुआ था इवनिंग को एंड हम सब गए थे रिजॉर्ट के अंदर ही और उनकी जो लीडर थी वो सबको बुला रही थी टू डांस उनके ट्राइबल डांस। सो यही है और मुझे भी खींच खींच के ले गया था जबकि मैं डांस में ज़ीरो हूँ, फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक उनको खुश करने के लिए।